वेलकम 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 शाहिना का किचन में वेलकम। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। वेलकम 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 शाहिना का किचन में वेलकम। आज मैं बैंगन भरवा बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमने बैंगन ये आधा केजी लिया है, छोटे साइज का धो दिया है, इसलिए पानी इसको पोछ लेना है। पोछ करके उसके बाद से इसको अब और इसके लिए सामान है, बेसन को हमने भून कर रखा है, दही है, प्याज है, टमाटर, लहसुन अदरक पिसा हुआ, धनिया पत्ती, आमचूर है, और ये कस्तूरी मेथी है, नमक है, कश्मीरी मिर्च, तीखी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला। अब मैं इसको ऐसे करके काट लेंगे और इसको डंडी को थोड़ा सा काट लेंगे, इसको ऐसे करके काट लेना है कैंची से। कैंची से इसलिए काटें कि चाकू से नहीं कट रहा था, इसीलिए कैंची से काटे हैं। अभी पहले सब एक टुक करके ये सब जो नोक है निकला हुआ, ये सारे नोक को काट लेना है, सारा काट के फिर तब दिखाएंगे अभी हम और क्या करना है। ऐसे पोछ ले रहे हैं, पानी लगा हुआ है, और इसको ऐसे करके लंबा यहाँ तक काट देना है, देख लेना कीड़ी, बस चार हिस्से में इसको काटना। बहुत अच्छा बैगन है, कीड़ा नहीं। इसी तरीके से सारे बैगन काटे जाएंगे। यह हमने बेसन को भून कर रखा है, बेसन को भूनना जरूरी है क्योंकि इसमें ये लग जाता है, बेसन को नहीं भूनेंगे तो। आमचूर पाउडर, नमक थोड़ा सा, कस्तूरी मेथी, इसमें हमने तीखा मिर्च लिए, कश्मीरी मिर्च लिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये मसाला इसमें लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा कड़वा तेल लेंगे और इन सारे चीज़ों को दे करके मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी, जीरा भी लेंगे, तो सौंफ दे सकते हैं, थोड़ा सा जीरा लिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हमने हींग दिया, हींग ज़रूरी है, अच्छा लगता है। ये हम अपने घर में बनाते हैं, ये लिए हैं। सारे चीज़ों को मिक्स करके उसके अंदर भरेंगे, कड़वा तेल कम लगेगा तो थोड़ा सा और कड़वा तेल डाल देंगे। ये हमारा ये मिक्स हो रहा है, ढाबे वगैरह में भी जो बनता है, जो भरुआ बैगन मिलता है इसी टाइप से मिलता है, इसी टाइप तरीके का बनता है। आप इसको चाहें तो परवल में भी भर के बना सकते हैं, सकती हैं करेले में भर के, जो भी भरने वाला आइटम है सारे आइटमों में भर करके आप सब्जी बना सकते हैं। ये हमें तेल की और ज़रूरत नहीं पड़ी, सब ठीक ही है। अब इसको एक एक करके बैगन में भरेंगे। को हमें भर देना है, आराम से भरना है, कोई भी चीज़ इसमें भरवा भर करके ऐसे दबाते जाना है, दबाते जाना है, नहीं तो फैल जाएगा। बैगन है कटा हुआ है, जड़ तक कटा हुआ, इसका अच्छे से भरना है ताकि इसका पूरा मुंह तक भरा हो, पूरा मुंह तक इसका आ जाए, और ये अच्छे से इतना टेस्टी होता है बैगन भरवा कि क्या मार्केट का लोगों को एक सनक होता, कुछ नहीं, हम तो यही कहेंगे एक सनक होता है कि हमें मार्केट का ही चाहिए। खाइए भाई, मार्केट घर दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है, घर का चीज़ घर का होता है। इसी तरीके से हमें सारे बैगन को भरना है। ये देखें, ये हमारे सारे बैगन भर आ चुके हैं। इसी तरीके से आप परवल भी भर करके बना सकती हैं, करेले को भी भर के बना सकती हैं, मिर्च की सब्जी बनती है उसको बना सकती हैं। अब मैं दूसरा प्रोसेस दिखाती हूँ।
अब मैं बैगन को इधर फ्राई पैन में तलूंगी। इसके लिए हमें ज़्यादा तेल नहीं देना है, हल्का सा तेल देना है। इसको शैलो फ्राई करेंगे क्योंकि वो बैगन मोटा है, वो उसको तलना है। और इसमें यहाँ हमने ये सब्ज़ी के लिए थोड़ा सा ये तेल दिया, लगभग 100 ग्राम के बस। अब ये गर्म होता है तो उसमें बैगन डाल करके उसको तलेंगे, तब इधर मसाले को तैयार करेंगे। दही तलने के लिए इतना अच्छा लगता है ना, इतना शानदार ये सब्ज़ी बनती है बैगन भरुआ, जिसका कोई जवाब ही नहीं। सो दिया जीरा दिया, सैलो फ्राई हो रहा है। बहुत शानदार ये सब्ज़ी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। अब ये मसाले में हमने प्याज और ये मसाला पिसा हुआ, अदरक टमाटर लहसुन सब पिसा हुआ, सब भी को हमें अच्छे से फ्राई करना है, तब इसमें बाकी और मसाले देंगे। अब हमें ये हमने दही रखा है, इसको फेंट रहे हैं, मैशर से नहीं फेंटा है, चम्मच से ही फेंट दे रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तीखी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर हमें फेंटना है, हल्का सा नमक, बस इसको भी फेंट देना है। फेंट के ये जो मसाले बचे हुए हैं उसको भरवा के ये भी सारे मसाले को हमें इसके अंदर दे देना है। ये देखिए, ये हमारा इधर बैगन भी तैयार हो रहा है। इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी होती है, थोड़ा सा गल जाएगा, ऐसे पलट पलट करके। बहुत शानदार ये रेसिपी है, बहुत शानदार, बहुत लजीज बैगन भरुआ। क्या कोई भी चीज़ का भरुआ बनाइए ऐसे ही बनता है, परवल का हो, करेले का हो, जैसे हो गया अब इसको थोड़ा सा और ही होगा, जब तक हमारा इधर भी ये भी हमारा हो रहा है, ये भी मसाला हमारा भुना रहा है, तो पूरा तरीके से भुन जाएगा, तेल छोड़ देगा, तब हम इसमें ये जो हमने मसाला जो रखा है इसमें देंगे, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर और देंगे, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर देंगे। मिर्च मैं बहुत कम खाती हूँ, सब में मिर्च दे देंगे तो फिर मैंने खा सकूँगी। ये धनिया पाउडर दूँगी, आप चाहें तो मिर्च दे सकती हूँ। नमक में दिए हैं इसीलिए नमक थोड़ा थोड़ा सब में दे रहे हैं। देखिए अब ये रोगन छोड़ेगा, खिलाड़ी छोड़ चुका है। थोड़ा सा प्याज आप चाहें तो तल सकती हैं, लाल कर सकती हैं, हमने नहीं किया है, थोड़ा सा भी और चलाएगा। पूरा रोगन छोड़ दिया, ये पूरा तैयार हो चुका, कलर भी चेंज हो गया, रोगन भी छोड़ दिया। अब मैं इसमें ये दही वाला मसाला जो बनाए हैं इसको डालेंगे, ये डाल देंगे। ये हमारा हो चुका, अब मैं इसमें सबको मिला करके जो बैगन तल रहे हैं वो भी हो गया है, इसको डाल देंगे। इसके बाद से ये हमारा तैयार बैगन हो गया, वेकअप शो करके बैगन इसके अंदर डाल देंगे। धनिया की पत्ती दिए, सब्जी ज़्यादा हो गई है हमारी हिसाब से, ऐसे ठीक ज़्यादा नहीं है हमारी सब्जी। बैगन भरुआ तैयार हो गई, अब मिक्सिंग बाउल में निकाल रहे हैं। बैगन भरुआ सब्जी तैयार हो गई, ढाबे स्टाइल की शानदार सब्जी, जो भी खाएंगे उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, वाह वाह करेंगे किसने बनाया इतनी अच्छी रेसिपी। आप लोग भी बनाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।